तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंशटेक एजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है एक पावर सप्लाई बना सकते हैं, वो भी एक बैटरी की मदद से। और यहाँ जो है मैं UPS की बैटरी को इस्तेमाल में लेने वाला हूँ, यानी कि जो 7AH की बैटरी होती है उसको। और यहाँ पर जो है मैं केवल एक MOSFET से आपको जो है 12 वोल्ट से 9 वोल्ट कन्वर्ट करके दिखाऊँगा, और उसी तरीके से आप जो है 5 वोल्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाला MOSFET ले रखा है, और इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊँ तो ये है 7809 है, ये 7809 IC है ये, यानी कि MOSFET, और इसको रेगुलेटर भी बोला जाता है। और इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपको कुछ केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको जो है थोड़े से रेड कलर की दो वायर्स ले रखी हैं, और दो ले रखी हैं वाइट कलर की, जो कि ब्लैक का काम करेंगी। यहाँ पे जो है एक हैवी सी हीट सिंक की आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप इससे ज़्यादा लोड लेने वाले हैं, जैसे कि कोई मोटर को अगर रन करना चाहते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे आपको जो है थोड़ा एक पेंच चाहिए, जो कि हम MOSFET को इसमें हीट सिंक में लगा सकेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी आपको थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको जो है समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको बनाना है, और ये जो है आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको 3 लेग्स दिख रही हैं इसमें MOSFET में, रेगुलेटर में। तो यहाँ पे जो है सब फर्स्ट लेग जो आप देख रहे हैं ये वाला इनपुट का है, फिर दूसरा ग्राउंड है, ये वाला आउटपुट है। तो यहाँ पे जो है मैं इनपुट में जो है रेड कलर की वायर लगा दूंगा, और आउटपुट में भी रेड कलर की वायर लगा दूंगा, जो कि पॉजिटिव यहाँ से सप्लाई निकलने वाली है, और बीच वाले में दोनों वायर्स को एक साथ में शॉर्ट करके लगा दूंगा। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वायर्स लगानी है, उसी तरीके से सेम मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रेड वायर्स आपको दिख रही हैं, एक इस साइड में है और एक दूसरी साइड में, और बीच में जो है दोनों आपको एक साथ में दिख रही होंगी वाइट कलर की, जो कि आपका ब्लैक का काम करेंगी, जो कि नेगेटिव है, ग्राउंड है। तो यहाँ पर जो है आपको हीट सिंक लेनी पड़ेगी, और हीट सिंक में जो है आपको इसको टाइट करना पड़ेगा। अब आप अगर इससे कोई भी LEDs जलाना चाह रहे हैं, एक से दो कुछ LEDs, अगर आप कम से कम LEDs जलाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है हीट सिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना हीट सिंक के भी चला सकते हैं। और अगर आपको LEDs नहीं जलानी है, आपको थोड़ा हैवी लोड लेना है, यानी कि जैसे मोटर जलानी है, 12 वोल्ट की मोटर चलानी है, या आपको 3-4 वोल्ट की मोटर चलानी है, 6 वोल्ट की मोटर चलानी है, तो आपको जो है यहाँ पे हीट सिंक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है MOSFET ये गर्म हो जाएगा। इससे जो है आप 1.25 एम्पियर्स तक का लोड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लेंगे अगर बिना हीट सिंक के तो फिर ये जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने बैटरी ले ली है UPS वाली, और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था इनपुट वाली जो है आपका लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पे जो है मैं इन दोनों की वायर्स को इसी तरीके से लगा लूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों वायर्स को यहाँ पे लगा चुका हूँ, ब्लैक को नेगेटिव को नेगेटिव में, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा एक बार शॉर्ट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी कम स्पार्क आ रहा है, और आपको शायद से नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी मैंने लगा रखी है, इस वजह से आपको शायद से ना दिख रहा हो। तो यहाँ पर जो है मैं मल्टीमीटर में आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो है कितनी वोल्टेज इसमें आ रही है। अब जैसे कि ये 7809 IC है, तो फिर यहाँ पे जो है 9 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं आनी चाहिए, और यहाँ पे जो है मैं 12 वोल्ट दे रहा हूँ, तो फिर 9 वोल्ट से कम भी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे आप 7805 भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 5 वोल्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप 35 वोल्ट तक इसमें सप्लाई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, IC कोई भी ख़राब नहीं होगी। चाहे तो आप 7805 यूज़ कर लें, चाहे तो आप 7809 यूज़ कर लें, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस शर्त ये रहेगी कि आप इसमें जो है DC सप्लाई ही दें। तो यहाँ पे आप फिर इससे लोड ले सकते हैं, चाहे तो कितना भी आप लोड ले सकते हैं 9 वोल्ट तक का। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।